ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बायोग्राफी पार्ट 3। अभी इतना बवंडर होने के बाद आध्यात्मिक विद्यालय ज्यों का त्यों चल रहा है ना, तो लोगों को थोड़ा विश्वास भी बैठ रहा है कि जरूर कुछ तो है। नाउ आफ्टर सच अ बिग कमोशन द आध्यात्मिक विद्यालय इज स्टिल रनिंग स्मूथली इजंट इट। सो पीपल आर हैविंग सम फेथ, देयर इज सर्टनली समथिंग देयर। ज्ञान के आधार पर विश्वास नहीं बैठ पाता, प्रैक्टिकल देखेंगे तब तब विश्वास बैठेगा। They aren't able to have faith based on knowledge. They will have faith when they see practical proofs. प्रैक्टिकल इतना ही देख लो है, 50-52 साल से ब्रह्मा कुमारियां इतना पीछे पड़ी हुई हैं बाबा के, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। Just look at this for a practical proof. The Brahma Kumaris are pursuing Baba for 50-52 years. They aren't able to harm him at all. कितना कोशिश करती है किडनैप कर करके इसको खेल खलास कर दे। They try so hard to have him kidnapped and murdered. कुछ नहीं चला तो को झूठे केस करके अरेस्ट कराने के चक्कर चला दिया। When they weren't successful in anything, they filed false cases to have Baba arrested. कि अरेस्ट हो जाएंगी तब तो गवर्नमेंट तो पकड़ के जेल में डालेगी। एक बार टाइगर को लगा दिया पीछे, अब की बार डबल टाइगर को लगा देंगे, कहीं ना कहीं तो हाथ आ जाएगा। They thought, if he gets arrested, the government will certainly catch hold of him and throw him in jail. The first time we set tiger behind him, and this time we will set a double tiger, that is someone more dangerous than tiger, after him. We will get our hands on him somehow. लड्डू No way. लक्ष्मी माँ ने 76 में जरूर पहचाना होगा। बाबा को जरूर पहचाना होगा ना। अभी तो इंचार्ज की खिलाफत में रह करके वो मुर्गियां चुरा 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 के देती रही। हाँ जी स्टूडेंट, मदर लक्ष्मी मस्ट हैव सर्टेनली रिकॉग्नाइज्ड बाबा इन 76। शी मस्ट हैव सर्टेनली रिकॉग्नाइज्ड बाबा, मजंट शी? बाबा, इट इज देन दैट शी वेंट अगेंस्ट द इंचार्ज, केप्ट स्टीलिंग द मुरलीज and giving them to Baba. Student, yes. वो तो सर्रा बहन तो बड़ी गप चाहिया है, मोटी ताज। Baba, Sister Sarla is a fat and healthy gossiper. इसकी तो लाल लाल आँखें कोई देख करके डर जाए। Someone might get frightened just by looking at her fierce eyes. पक्का सन्यासी है। She is a real sannyasi. सात बहनें सरेंडर हुई थी, हैं? Seven sisters had surrendered. सात बहनें माना, छोटी माँ की क्या? ना। Student, does seven sisters mean the sisters of the junior mother? Baba, no. सरला बहन वो सात बहनें थी। अच्छा। Of sister Sarla, there were seven sisters including her. Student, अच्छा। सातों सरेंडर हुई। बाबा, all seven of them surrendered. अच्छा। अच्छा। छिहत्तर में पहचाने होंगे तभी तो वरु शंभु न तो रहु कुवारी, शूटिंग पीरियड में भी तो होना चाहिए ना। स्टूडेंट, इट इज बिकॉज शी रिकॉग्नाइज्ड हिम इन 76 दैट द शूटिंग ऑफ वरु शंभु न तो रहु कुमारी वुड हैव टेकन प्लेस, वुडंट इट? बाबा, यस। छिहत्तर में दिल्ली आ गए ना। इन 76 ही वेंट टू दिल्ली, डिडंट ही? कौन? बाबा।
अच्छा अहमदाबाद छोड़ दे। स्टूडेंट हु बाबा बाबा स्टूडेंट अच्छा बाबा आफ्टर लीविंग अहमदाबाद अहमदाबाद छोड़ के माना सेंटर से बाहर निकालने के बाद। स्टूडेंट आफ्टर लीविंग अहमदाबाद मीन्स आफ्टर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द सेंटर बाबा यस सेंटर से तो बाहर उन्होंने 74-75 में ही निकाल दिया था। वेल दे थ्रू मी आउट ऑफ द सेंटर इन 74-75 इटसेल्फ। सेंटर से बाबा को निकालने के बाद छोटी माँ उधर ही थे क्या? स्टूडेंट डिड द जूनियर मदर स्टे देयर इटसेल्फ आफ्टर बाबा वाज थ्रोन आउट ऑफ द सेंटर? उनको ट्रांसफर कर दिया फटाक से बम्बई। बाबा शी वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे इमीडिएटली। अच्छा 74-75 में ही छोटी माँ को भेज दिया था क्या? नारायणपुरा सेंटर दूसरा सेंटर खुला पालड़ी के बाद। स्टूडेंट अच्छा वॉज शी सेंट इन 74-75 इटसेल्फ? बाबा अनदर सेंटर द नारायणपुरा सेंटर वॉज ओपन्ड आफ्टर द पालड़ी सेंटर। पालड़ी के सहयोग से नारायणपुरा सेंटर की इंचार्ज बनाई गई। It was opened through the help of those from the Palani Center. She was made the in charge of the Narayanpura Center. वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल से नजदीक पड़ता था। फिर पालड़ी जाना बंद कर दिया, वहीं जाके क्लास करने लगे। It was close to the university hostel. I stopped going to Palani and started going there for the class. नारायणपुरा चौराहे पे सेंटर था। द नारायणपुरा सेंटर वॉज ऑन अ क्रॉस रोड। और ब्रह्मा कुमारियों में दृष्टि लेने का रिवाज था उस समय। देयर वॉज द कस्टम ऑफ टेकिंग दृष्टि अमंग द ब्रह्म कुमारीज एट दैट टाइम। हम भी दृष्टि लेते थे। आई टू यूज टू टेक दृष्टि छोटी माँ से। स्टूडेंट फ्रॉम द जूनियर मदर बाबा यस दृष्टि लेते लेते बुद्धि उधर ही जाने लगी लगातार। बिकॉज ऑफ टेकिंग दृष्टि माय इंटेलेक्ट स्टार्टेड गोइंग ओनली टुवर्ड्स हर कंटिन्यूअसली। फिर मुरली माया। हाँ देन इट केम इन द मुरली। स्टूडेंट यस बुद्धि का लगाव जहां लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। बाबा यू शुडंट इवन सी द फेस ऑफ द वन विद होम यू हैव अटैचमेंट थ्रू द इंटेलेक्ट। वो मुरली पढ़ने के बाद सुनाने के बाद उन्होंने मुरली लेके उसका महावाक्य लिख के और तारीख और पेज नंबर डाल के उनको दिखा दिया कि देखो ये लिखा है। आफ्टर रीडिंग दैट मुरली आफ्टर दैट मुरली वॉज नरेटेड आई टुक दैट मुरली wrote down that great sentence along with the date and page number and showed it to her. Look, this is what has been written. इसलिए हम तो इस सेंटर को छोड़ रहे, छोड़ के पालड़ी चले गए। This is why I am leaving this center. I left it and went to Palani. नारायणपुरा और पालड़ी कितनी दूरी पर है? Student, how far is Narayanpura from Palani? 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बाबा 7 to 8 किलोमीटर्स। चले गए तो वो शिकायत कुमारका दादी के पास पहुंची होगी। आफ्टर आई लेफ्ट द कंप्लेंट मस्ट हैव रीच्ड दादी कुमारका। उससे पहले कुमारका दादी ने माउंट आबू से निकाल दिया था क्या? बिफोर दिस इंसिडेंट दादी कुमारका हैड थ्रोन मी आउट ऑफ माउंट आबू। What? बाबा को माउंट आबू से निकाल दिया था। स्टूडेंट शी हैड थ्रोन बाबा आउट ऑफ माउंट आबू। बाबा यस कुमारका दादी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नाउ
विल दादी कुमार का लाइक इट और डिसलाइक इट? बुरा लगेगा। तो उन्होंने फटाक से ट्रांसफर कर दिया। स्टूडेंट, शी विल डिसलाइक इट। बाबा, यस, सो शी ट्रांसफर्ड हर इमीडिएटली। बम्बई के सेंटर में जहाँ चंद्रिका बहन इंचार्ज थी, उनकी छोटी बहन। एट द बॉम्बे सेंटर सिस्टर चंद्रिका, हर यंग सिस्टर, दैट इज द जूनियर मदर्स यंग सिस्टर, वॉज द इंचार्ज। चंद्रिका बहन को नारायणपुरा भेज दिया। दे सेंट सिस्टर चंद्रिका टू नारायणपुरा। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा, बम्बई में कोई अफ्रीका के रामजी भाई आए, उनको प्रदर्शनी विदर्शनी समझाई होगी, वो फायदा हो गया। राम जी भाई करोड़पति आदमी था, ले गया सेंटर खोलने के बहाने। बाबा, वन ब्रदर राम जी हैड कम टू बॉम्बे फ्रॉम अफ्रीका। शी मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग टू हिम इन द एग्जीबिशन एटसेट्रा एंड ही बिकेम डिवोटेड टू हर। ब्रदर राम जी वॉज अ बिलियनेयर। He took her with him to open a center there. अफ्रीका में सेंटर खोल दिया, लुसाका। He opened a center in Lusaka, Africa. कुमार का दादी तो जो कोई मांगता था कन्या को उनको भी दे देती। दादी कुमार का used to give the students any sister they requested. तो इसको तो खार खा गई कुमार का वेदांति से, तो भेज दिया हबसियों के देश में। She harbored enmity for Vedanti, so she sent her to the country of Negroes. कुमार का समझा होगा हबसियों के देश में भेजेंगे तो इसकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। कुमार का मस्ट हैव थॉट that if she sends her to the country of Negroes, her purity will be over. पवित्रता को कोई न कोई भंग कर देगा। Someone or the other will violate her purity. इस हिसाब से उन्होंने फटाक से भेज दिया। This is why she sent her right away. फिर बाद में छोटी माँ बाबा से कनेक्शन करने की कभी कोशिश नहीं किए क्या? Student, later, didn't the junior mother ever try to make a connection with Baba? तिहत्तर में, दिसंबर में कि जाने जनवरी में दिल्ली में मेला हुआ पहला। उस मेले में थोड़ा देखने को मिला था बस, और दरवाजे से बाहर निकल रही थी हम उस घर को छोड़ करके कोई सामान लेके बाहर जाने वाले थे, तब देख लिया तो बस। बाबा, इन 76, नो, इन 73, इन 73, इन दिसंबर और इट माइट बी इन जनवरी, द फर्स्ट फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी हर देयर, दैट्स ऑल। शी वाज कमिंग आउट ऑफ अ डोर and I was about to leave that house carrying some things. I saw her then. That's it. उसके बाद तो हमने देखा नहीं। I didn't see her after that. बात करने की कोशिश नहीं किए क्या? Student, didn't she try to speak? हम क्यों बात करेंगे? बाबा ने तो मना किया, मूवी नहीं देख रहा। नहीं, छोटी माँ। है? छोटी माँ। बाबा, why would I speak to her? In fact, Baba has forbidden it. He has said, don't even see their face. Student, not you, the junior mother. Baba, what? Student, the junior mother. Choti maai ke liye to bola, aur kiske liye bola? Hai? Choti maa Baba se baat karne ki koshish nahi kiye kya? Baba, I was speaking about the junior mother herself. Who else am I speaking about? Student, didn't the junior mother try to speak with Baba?
माताओं में तो वैसे भी है लज्जा होती है। हाँ जी पुरुष होते हैं निर्लज्ज। बाबा मेडन्स एंड मदर्स आर नेचुरली शाई। स्टूडेंट यस बाबा मेन आर शेमलेस। है हाँ जी है। स्टूडेंट यस पुरुष होते हैं निर्लज्ज निर्लज्ज माने दुर्योधन दुशासन। बाबा मेन आर शेमलेस। शेमलेस मीन्स दे आर दुर्योधन दुशासन। हम तो बचपन में भी चरित्र में अच्छे माने जाते थे। आई वॉज कंसिडर्ड टू बी गुड इन कैरेक्टर इवन इन चाइल्डहुड। इसलिए हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे। दिस इज वाई व्हेन आई वॉज स्टडीइंग इन हाई स्कूल। तो आठवीं क्लास सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की कंपिल के इंचार्ज दरोगा की लड़की को पढ़ाने जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू टीच अ गर्ल इन सेवेंथ और एट्थ क्लास। शी वाज द डॉटर ऑफ द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ कंपिल। हम 18 साल के वो 14-15 साल की हो। आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। शी मस्ट हैव बीन 14 और 15। जिस व्यक्ति ने वहां पहुंचाया ट्यूशन करने के लिए वो मोहल्ले के एक चौबे जी थे जगदीश चौबे। द वन हु मेड मी गो देयर टू गिव ट्यूशन वाज चौबे जी जगदीश चौबे फ्रॉम आवर लोकेलिटी। उनकी बड़े बड़े ऑफिसरों से उनकी दोस्ती रहती थी। अंग्रेजी फटाफट बोलते थे। He had friendship with big officers. He used to speak English fluently. तो कंपिल के इंचार्ज दरोगा को भी उन्होंने पटा लिया और हमको सजेस्ट कर दिया कि ये लड़का गरीब ब्राह्मण लड़का है अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है। He even persuaded the inspector in charge of Kampil and recommended me. This boy is a poor Brahmin. He teaches well. उस समय हम 8-9 महीने की ट्यूशन करते थे। At that time, I used to give tuition for 8 annas per month. मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा कर लेते थे और उनके माँ-बाप 8-9 महीने देते थे। I used to gather the boys in the locality. And their parents used to pay 8 annas every month. पांच लड़कों के इकट्ठा किया 2.5 रुपया ओ आधी फीस माफ थी वो निकल आती थी। I gathered 5 boys and earned 2.5 rupees. I was exempted from paying half of my school fees, so I managed the other half with that money. पिताजी की नौकरी छूट गई थी। My father had lost his job. उनके पास पैसा ही नहीं था पढ़ाने के लिए। He didn't have any money for my education. जगदीश चौबे को पता लग गया कि 8-9 महीने में ट्यूशन कर रहा है तो उन्होंने दरोगा जी को बताया होगा ब्राह्मण लड़का है गरीब है सचरित्र है। जगदीश चौबे came to know that I was giving tuition for 8 annas per month. So He must have told the inspector, he is a Brahmin boy, he is poor, he has a good character. Viren Singh Pachauri, naam tha daroga ji ka. The name of the inspector was Virendra Singh Pachauri. Oh, unhone apni 14-15 saal ki ladki ko padhai padhane ke liye rakh liya. He hired me to teach his 14 or 15 years old daughter. हम 18 साल ही 14-15 साल ही। I was 18, she was 14 or 15 years old. तमो प्रधान आत्मा लगाव नहीं लगेगा। Won't a tamo pradhan soul develop attachment? लेकिन किया कुछ नहीं। But I didn't do anything. वो छेड़छाड़ नहीं की, पढ़ाई पढ़ाते रहे। I didn't do anything wrong. I kept teaching her. उसके उनके उनके ट्रांसफर होने के बाद
सभी रहमत सिद्दीकी इंचार्ज बन के आए। आफ्टर ही गॉट ट्रांसफर्ड सगीर अहमद सिद्दीकी केम एज द इंचार्ज। उन्होंने भी अपनी लड़की को ट्यूशन के रूप में दे दिया। He too let his daughter have tuition from me. उनकी लड़की को पढ़ाते रहे। I kept teaching his daughter. वो भी खुश हो गई। वो लड़की अभी इलाहाबाद में कोई बहुत बड़ा वकील है मुसलमान, उसके साथ शादी हो गई। He too was pleased with me. Well, that girl is now married to a very big Muslim advocate at Allahabad. बुढ़ा हो गया होगा अभी तो। Now he might be very old. और सगीर अहमद सिद्दीकी का ट्रांसफर जब हुआ तो हम हाई स्कूल पास कर चुके थे। And when Sagir Ahmed Siddiqui was transferred, I had passed my high school. तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारी वो वाइफ है, वो इंटर कॉलेज की मैनेजर है। He told me, my wife is the manager at an inter college. तुम अगर चाहो तो तुमको वहाँ आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहो तो इंटरमीडिएट करा देंगे पास। If you want to study further, I can make you pass the intermediate from there. 2 साल घर में रहना। Stay at my house for 2 years. तो हमको क्या चाहिए था? What else did I want? फीस के लिए तो पैसे ही नहीं थे, जो कायमगंज इंटर कॉलेज में दाखिल हो जाते। I didn't have any money for the fees to get enrolled in the Kayamganj Inter College. चले गए, पिताजी ने मना किया तो भी चले गए। So I left, though my father forbade. पिताजी तो पक्के ब्राह्मण थे, वो क्यों मुसलमानों के घर में रखेंगे? My father was a staunch Brahmin. Why would he allow me to stay in the house of a Muslim? दो साल वहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई रहमानिया इंटर कॉलेज में पढ़ के वापस आ गई कंपिल। I studied the intermediate at the Rehmania Inter College for 2 years and came back to Kampil. Om Shanti.